हमने पूरे पाकिस्तान के नौजवानों से पूछा कि एक लाइब्रेरी के लिए क्या-क्या चाहिए। हमें जवाब मिला 10 लाख रुपए और एक खूबसूरत सा बिल्डिंग और कुछ किताबें। बिजली की सहूलियात होना चाहिए और इस जदीद दौर में इंटरनेट का होना तो जरूरी है। खामोशी होनी चाहिए, बैठने के लिए आरामदायक कुर्सियां या इस तरह के सोफे, चंद पढ़ने वाले लोग, एक ऊंट। जी हाँ, एक अदद ऊंट, चंद पढ़ने वाले लोग और 18,000 पाकिस्तानी रुपए। इस वक्त हम मौजूद हैं मंद तुर्बत बलूचिस्तान में। यहाँ तो आपको पता है कि कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है बच्चों के लिए, या कोई एंटरटेनमेंट नहीं है कि बच्चे शाम सुबह पढ़ा, शाम को किसी गार्डन में गए या बागीचे में गए या प्लेग्राउंड है यहाँ पर। यहाँ बच्चों के लिए कुछ नहीं है सिवाय स्कूल और स्कूल के बाद घर जो होता है। तो बोरियत से बहुत बच्चे बहुत मिसयूज भी होते हैं और इनका जहन भी इधर उधर हो जाता है, वो गलत रास्तों पे जाते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं पाकिस्तान के पहले एनवायरमेंटल फ्रेंडली मोबाइल लाइब्रेरी के बारे में। आइए जानते हैं। मैं इस्लामाबाद गई थी मैडम जुबैदा के पास, वहाँ हमारी बात शुरू हुई थी लाइब्रेरी के बारे में। तो मैडम ने कहा इस तरह का एक सिलसिला है, अगर आप कहें और आप ताउन कर सकती हो तो हम ये लाइब्रेरी क्यों मंद में ना शुरू करें। तो हमने ऊंट वाले से बात किया तो मुराद भी ओके हो गया। वो अब हफ्ते में 3 दिन है, फ्राइडे सैटरडे संडे, हफ्ते में 3 गांवों जाते हैं। और जो स्टाफ को मैंने रखा है अपने साथ वो भी एज ए वॉलंटियर हमारे साथ काम कर रहे हैं। मुराद आता है और उसके साथ रोशन होता है, रोशन वो कैमल का नाम है। तो जितनी किताबें वो रोशन के साथ होती है तो वो टीचर्स पहले बैठ के इनको दर्ज करते हैं, फिर बच्चों का नाम लिखते हैं हमने ये किताबें किसको दिया, ताकि नेक्स्ट वीक में जब आते हैं तो वो किताबें उनसे ले लें और ये किताबों को चेंज करें। और माशाल्लाह माशाल्लाह किताब आप वहाँ रहे पता कैसे है। मैं मैं किताब रहूँ जीरी वानी शची मारा फायदा मिल लगे, और मैं चौका ना मैं लोगे चौका ना मैं मीत के चौका ना दुरुस्त है शची फायदा मिल गए शारी शारी सोच सी रंगती। और किताबें जो हैं माशाल्लाह रंगीली खूबसूरत हैं, तो बच्चे बहुत शौक से पढ़ रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। स्कूल में भी एक दो आई थी मुझसे बात करने, कह रही है कि बहुत सा बोझ भी बच्चों ने हमारा कम कर दिया इससे, वो अब बहुत पढ़ने लगे हैं और हमें भी कहानियाँ सुनाते हैं। ये नई नई किताबें भेजे जो हम पढ़े और नई बातें हम लोग सीख जाए। हमारे मेरी दोस्तें हैं वो भी यही चाहते हैं, मैं अपने दोस्त को बुलाऊं वो भी एक बात कहना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल उनको बुलाएं, पर उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है। मेरी मैंने कल रात को पढ़ी थी, सब किताबों में से फैज़ अहमद फैज़ की कहानी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। ये मेरा बेटा यूसुफ है, तो हम माएँ चाहते हैं कि नए किताबें आए। ये कैमल लाइब्रेरी कम पढ़ रही है, हमें 2-3 होने चाहिए, बच्चों को खुशी होती है इससे, हमें भी खुशी होती है। माँ लौटा फिर मन मस्ता बलूची किताब भी जा रहे को माँ आना माना। हमें कोई ऐसा डोनर मिल गया जो अखराजात में हमारा हेल्प करे, तो हम सोचते हैं कि इससे भी बैकवर्ड एरियाज भी हैं कि हम वहाँ तक भी इसको पहुँचा दें और काम ज्यादा। रोशन किताब किताब लूटी किताब माता नहीं पता क्या विधि है।